हेलो दोस्तों, मैं सविता, सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ की रेसिपी। और अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और धूप भी अच्छी होने लगी है, इसीलिए मैंने पापड़ बनाया है। तो हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने पापड़ को बनाया और ये बहुत झटपट बनकर तैयार हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा पापड़ बनकर तैयार हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पापड़ बनाने के लिए 1 किलो आलू लिया है, जिसे हमने बॉयल कर लिया है दोस्तों, और इसे हमने ठंडा कर लिया। तो दोस्तों, बस इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ही ठंडा करना है कि ताकि इसे हम ग्रेट कर सकें, हमारा हाथ ना जले। तो पहले हम आलूओं को छील लेंगे। तो आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने छील लिया है, अब इसे हम ग्रेट करेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर ले लिया है ग्रेटर, और ग्रेटर के हेल्प से हम आलूओं को ग्रेट करेंगे दोस्तों। और इस तरह से हम ग्रेट करेंगे ताकि हमें इसमें बाद में कोई मैश वैश करने की झंझट ना रहे। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से हम मैश करेंगे कि इसमें खिंचाव, मतलब मैश करते ग्रेट करते समय ही इसमें खिंचाव आ जाए आलू में, मिक्सचर में। तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें खिंचाव आना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं कैसा रबड़ की तरह बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारा आलू का मिक्सचर बनकर तैयार होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो क्या रहेगा ना, बाद में हमें इसके साथ मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमारा आलू का पापड़ बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा सा हम हाथ से प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कैसे रबड़ की तरह बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारा आलू का मिश्रण होना चाहिए दोस्तों। तो हम इसी तरह से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, और एक भी उसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आलू का पापड़ बेलने में दिक्कत होगा। तो आप देख रहे हैं हमारा, मतलब ग्रेट करते समय ही आलू एकदम बढ़िया से स्मूथ बनकर तैयार हो रहा है। तो बाद में हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना रहेगा और ये फटाफट बनकर तैयार होगा। तो हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हमारा आलू का मिश्रण हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच से चिली फ्लेक्स और जीरा और मिर्च का पाउडर, जो मैंने दरदरा कूट के लिया था। और इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ। और इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ती। और दोस्तों, हम हाथों में तेल लगाकर ही इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो आलू का मिश्रण है ना, ये बिल्कुल तार की तरह बनकर तैयार हुआ है, तो हाथों में बहुत जल्द तेज़ से चिपकता है। तो इसी तरह से हमें हाथों में तेल लगाते हुए ही इसे हमें मिक्स करना है, तभी ये अच्छे से मिक्स होगा, नहीं तो हमारे हाथों में लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही, मतलब दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है आलू का पापड़। इस तरह से बनाएंगे आप तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और झटपट बनकर तैयार होगा दोस्तों। इसमें बाद में कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे हम मिक्स करेंगे और फटाफट बेलना चालू कर देंगे पापड़ को। तो देख रहे हैं आप कैसे हमारा जेली की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो हमने ये मिश्रण को तैयार कर लिया है आलू का। व्रत के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है और शिवरात्रि भी आ रही है, तो आप इसे बना कर 1 साल के लिए भर कर स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली लिया, जिसे हमने उल्टा कर लिया दोस्तों। अब इसमें हम एक प्लास्टिक का सीट लेंगे, छोटा सा, जैसे कपड़े वगैरह आते हैं ना, उसी वही वाला मैंने प्लास्टिक ले लिया है, और इसे चारों तरफ से हमने खोल दिया है। अब इसे हम हाथों, मतलब प्लास्टिक में तेल लगाएंगे और फिर हम आलू को, पापड़ को बेलना चालू करेंगे दोस्तों। तो अभी मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी बेलने के लिए, कैसे फटाफट आसानी से हमारा पापड़ तैयार हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, इतने जल्दी पापड़ बनकर तैयार हो गया था ना, बिल्कुल मेहनत नहीं लगा। जो भी ग्रेट करने में लगा टाइम, बस बेलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे आलू का, और हम हाथों में पहले तेल लगाएंगे दोस्तों। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ से चिपकता है हाथ में। अब हम इस तरह से पोर्शन रखेंगे, मतलब आलू का मिश्रण। अब हम प्लास्टिक के ऊपर से भी प्लास्टिक लगाएंगे, फिर हम इसे बेलना चालू करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बस हाथ रखते ही ये आसानी से फैल जा रहा है आलू, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने आसानी से पापड़ हमारा बेल के तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लास्टिक का सीट बिछा दिए हैं, और प्लास्टिक की सीट पर ही इसे हम बिछाएँ, मतलब पलटेंगे। देख रहे हैं आप कितने आसानी से निकल गया। अब यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का सीट बिछा दिया है, अब प्लास्टिक के सीट पर हम पापड़ को डालेंगे। प्लास्टिक के सीट पे डालने से क्या रहेगा दोस्तों, कि बहुत आसानी से ये छूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमने इसे पलट दिए, मतलब इसमें
प्लास्टिक में लगा दिया है, पापड़ को चिपका दिया है। अब दूसरा पापड़ भी हम बनाएंगे इसी तरह से। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। और पहली बात तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनकर तैयार होगा। और आप इसे साल दो साल जितना चाहे उतना टाइम तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों। तो हमने इसमें व्रत वाला तेल यूज़ किया दोस्तों। अगर आप इसे साल भर स्टोर करके रखना चाहते हैं और इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप इसे सरसों के तेल में ही करना, तो सरसों के तेल में करने से ना और ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों। मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें मूँगफली के दाने का तेल यूज़ किया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसे दूसरा पापड़ भी सीट पर डाल दिया है। अब हम दूसरा पापड़ बनाना आपको बताएंगे कि किस तरह से दूसरे तरीके का कैसे बनेगा, और इससे भी आसान वो तरीका रहेगा। तो हम डायरेक्ट प्लास्टिक के सीट पे ही आलू का मिश्रण रखेंगे एक छोटा सा पोर्शन, और ऊपर से प्लास्टिक लगाते हुए इसे हम बेल लेंगे। बस हमें प्लास्टिक रख देना है और फिर इसे फैला देना है। तो ये और भी आसान तरीका है दोस्तों। इस तरह से आप पापड़ को बनाकर और एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों। तो बस एक दिन लगता है इसे सूखने के लिए, एक दिन में हमारा पापड़ तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ को बेलकर और सूखने के लिए डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने सारे पापड़ को बेल लिया है और इसे हमने धूप में डाल दिया है। इसे आप छांव में भी सुखवा सकते हैं, लेकिन दो दिन लग सकता है सूखने के लिए। तो ये दूसरा दिन है दोस्तों, आप देख सकते हैं दूसरे दिन में हमारा पापड़ बिल्कुल एकदम तैयार हो चुका है सूख के, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा था और जब इसे हमने तला तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फैमिली फ्रेंड को दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब इसे हम एक बर्तन में भर लेंगे और उसके बाद आपको तलकर दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे इकट्ठा कर लिया है पापड़ को। अब हमने गैस पे पैन रख दिया और पैन में मैंने डाल दिया है तेल। अब तेल को हम गर्म कर लेंगे दोस्तों। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना, उसके बाद मीडियम लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि आलू का पापड़ बहुत जल्दी तल जाता है, नहीं तो जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने जल्दी से मतलब तल के तैयार हो जा रहा है, और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी, स्वाद में बहुत ही टेस्टी लगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दिखने में कितना मतलब अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और एक साल के लिए इसे, एक साल दो साल के लिए जितना टाइम चाहें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है दोस्तों। तो इसी तरह से हम पापड़ को तल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों पापड़ हमारा तल चुका है दोस्तों, देख रहे हैं आप कितना स्पाइसी दिख रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप इसे सुबह शाम चाय के साथ स्नैक की जगह पर इसे आप ले सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। तो वीडियो आप और आप देख रहे हैं इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आसानी से ये टूट जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी ये नहीं है, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।